तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम कंचन, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट है डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। तो सुनने में आ रहा है कि नीट की काउंसलिंग वगैरह शुरू हो गई है, तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई? और जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं और जिनको लगता है कि उनको इस ईयर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनको भी किसी भी रीजन की वजह से इस बार मेडिकल सीट नहीं मिल पाएगी, तो देखो भाई, कोई भी प्रोफेशन बड़ा या छोटा तो नहीं होता, बाकी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रायोरिटीज़। और अगर आपको इसी प्रोफेशन में आना है तो जस्ट गिव योर बेस्ट और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना अगले साल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर अलॉट होने का, तो ये वीडियो जस्ट उनके लिए है। तो यहाँ पे मैं गर्ल्स के लिए हॉस्टल के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले, हमीरपुर कॉलेज में गर्ल्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है। पैसा बर्बाद। यहाँ पे बिल्डिंग्स हायर की गई हैं हॉस्टल के लिए, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। तो गर्ल्स के लिए जनरली दो हॉस्टल हैं, एक रॉयल गर्ल हॉस्टल एंड सेकंड वन इज पायल गर्ल हॉस्टल। तो मैं पायल गर्ल हॉस्टल में रहती हूँ। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी। तो गाइस, ये है पायल हॉस्टल। तो ये रहा हमारा हॉस्टल, ये हमारे पास गेट नंबर 1 और वो गेट नंबर 2। तो मैं आसानी के लिए गेट नंबर 1 से जाना चाहूँगी। तो सबसे पहले जब आप गेट में एंटर करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी रूम दिखेगा। यहाँ पे जब भी आपको हॉस्टल से बाहर जाना होता है तो उसमें एंट्री करनी होती है। देन इसके जस्ट अपोजिट आपको एक वार्डन का ऑफिस दिखेगा, जहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अंकल के साथ बात कर सकते हैं। कोई मेरे पास आ रहा है, अरे भाई साहब ये कर दिया, अरे भाई साहब वो मत करो, अरे भाई साहब ये मत करो, फलाना करो, ढिमका करो, ये करो, वो करो, ये ना। हम हॉस्टल के अंदर, तो ये सब ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस हैं। तो जो हमारा हॉस्टल है वो हमारे कॉलेज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो गाइस, ये अंकल के सिक्योरिटी गार्ड्स। अच्छा, जस्ट जोक अपार्ट, ऐसे ही रखे हैं अंकल ने अपने शौक के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम एंटर करेंगे अपने हॉस्टल में। एक गेट परे से भी है, एक गेट ये भी है। तो ये मैस में एंटर होता है, और ये हमारी मैस, जहाँ पर्टिकुलर टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाएगा, और इवन 5 बजे के करीब आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलती है। और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से सब कुछ अरेंज और सब कुछ बनाया जाता है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ रूम्स दिखा देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो ये हो गया मैस का। तो मैस हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के हमारे हॉस्टल में 4 और फ्लोर हैं, और जनरली 2 बिल्डिंग्स हैं। तो जो मेन बिल्डिंग है उसमें 4 फ्लोर हैं, और सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि आपके मेन बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगी होगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ से अपने फ्लोर तक जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। के बाद ये है फ्लोर पे ऊपर जाने का रास्ता, ये सीढ़ियाँ, और यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट भी है, तो हम लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने रूम दिखाती हूँ। तो मेरा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो ये रहा मेरे रूम के बाहर का कॉरिडोर। तो ये मेरा रूम है, और इसके जस्ट अपोजिट मेरी दोस्त का रूम है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरी दोस्त का रूम। गाइस, सच बताऊँ तो सिर्फ व्लॉग के लिए ही हमारे रूम की सफाई की गई है। तो गाइस, ये रहा मेरा रूम। तो चलते हैं मेरे रूम में। सबसे पहले ये रहा मेरा रूम, ये मेरी साइड, ये मेरी रूममेट की साइड, और मेरी रूममेट अभी सोई हुई है, क्योंकि उसको मेरी तरह फालतू के काम नहीं करने होते। म्यूजिक। और ये हमारे पास अलमीरा है। अलमीरा में आपको इस टाइप की भी अलमीरा मिल जाएगी और दूसरे टाइप की भी अलमीरा मिल जाएगी। तो जो हमें अलमीरा मिली है उसमें 3 पार्ट है। तो जो ये वाला पार्ट है वो मेरी रूममेट का है, ये वाला मेरा है, और बीच वाला सेक्शन जो है वो हम दोनों का कॉमन है। तो बीच वाले सेक्शन में जनरली हम बुक्स वगैरह रखते हैं, ऊपर मेरी रूममेट की है और नीचे जनरली मेरी बुक्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूजा की जाती है, और यहाँ पे स्टडी टेबल है, और ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन की गई है। और आपको हॉस्टल में गद्दा प्रोवाइड करेंगे अंकल, एक टेबल, एक चेयर भी आपको मिल जाएगी, बाकी जितना भी सामान होगा वो आपको खुद से लाना होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। गाइस, मैक्सिमम सभी फ्लोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है, तो बाकी और रूम्स को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। नेवर। एंटर करने के बाद आपको सामने दिखती है हमारे पास मेन बिल्डिंग, जहाँ पे मैक्सिमम सभी बच्चे रहते हैं। इसके
बिल्डिंग के अलावा एक और बिल्डिंग है, तो चलिए दिखाते हैं आपको इस बिल्डिंग में है क्या। ठीक है, इनके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे तो जनरली जो स्टाफ है वही रहता है, बाकी हम चलते हैं सीधे थर्ड फ्लोर पे। 2000 years later. इस तो बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे आपको एक जिम भी मिलेगी, लेकिन इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है हमारे पास, तो आपको ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पैदल ही आना पड़ेगा और उसी में आपका वार्म अप हो जाएगा। टूट गया मैं तो अब। बाकी जिम अच्छी है काफी, लेकिन बहुत कम बच्चे यहाँ पे जिम करने के लिए आते हैं। ये क्या बात करता है यार। चलते हैं बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे। 2000 years later. इसी आ गया बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर। इस फ्लोर पे आपको एक बड़ी सी कॉमन सी बालकनी दिख जाएगी और सामने पोलटेक कॉलेज के बॉयज का हॉस्टल है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जनरली ये वाली जो बिल्डिंग है ये गेस्ट रूम की तरह ट्रीट की जाती है और बच्चे यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग में बहुत कम रहते हैं। मेनली जो बच्चे रहते हैं वो मेन बिल्डिंग में रहते हैं, सामने वाली बिल्डिंग में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है कि उनको हॉस्टल आना है, पीजी में रहना है या फिर रूम लेके रहना है। तो अगर आप में से कोई पायल हॉस्टल आना चाहता है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पायल हॉस्टल में मोर ओवर मैक्सिमम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रूम की सफाई हर दूसरे तीसरे दिन कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको छोड़ने ले जाने के लिए बसेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं और खाना भी बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। सीनियर जूनियर के इंट्रैक्शन, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो अगर आप में से कोई पायल हॉस्टल आना चाहता है देन आपका बहुत स्वागत है अगेन। और दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।